आइए हम खुदा की हजूरी में अपने सर्व को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे दयालु प्रभु, फिर से मैं आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के एक सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर से आपने हमें मौका दिया कि हम एक नए विश्राम दिन में शामिल हो सकें और आपको धन्यवाद दे सकें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, खास तौर से पिता परमेश्वर इस साल के आखिरी सप्ताह के लिए। पिता परमेश्वर, बीते हुए सालों में पिता परमेश्वर आपने हमारी अगुवाई की और हमें तमाम शैतानी ताकतों से बचाया, और बहुत से लोग पिता परमेश्वर बहुत उतार चढ़ाव में चले होंगे, इन सबसे आपने उनको संभाला बचाया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम बीते हुए इस साल के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस पर प्रार्थना में पिता परमेश्वर हम लोग उन लोगों को भी याद करते हैं पिता परमेश्वर जो अभी रास्ते में है पिता परमेश्वर, उनको हमारे बीच में सुरक्षित लाइए, यहाँ सुरक्षित पहुँच के हम धन्यवाद दें इस वर्षिप में शहीद हो सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस पर आज की सारी प्रेजेंट वर्षिप उसकी टीम के लिए पिता परमेश्वर, उनके मुँह से निकलने वाला एक एक शब्द पिता परमेश्वर, एक एक गीत, एक एक भजन पिता परमेश्वर आप ही की महिमा के लिए हो पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो पास्टर के मुँह से जो वचन आता है वो उनके द्वारा नहीं आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा, सिर्फ पिता परमेश्वर वो होंठ उन खिलाने वाले हों और पिता परमेश्वर शब्द आपके हों पिता परमेश्वर, हम लोग तमाम उन बरकतों से आशीष होकर जा सकें और आपको धन्यवाद दें पिता परमेश्वर। हमें से हर एक की सहायता कर, हमें से हर एक की अगुवाई कर पिता परमेश्वर, हमें से हर एक के साथ बने रहना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस बीते पूरे साल के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अगर हमारे बीच में कोई परेशान है या दिक्कत में है, परेशानी में है, उनकी भी सहायता करना, हर एक का मन तेरी ओर लगे और आपकी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरे, हमसे बातचीत करे, और पिता परमेश्वर वो वचन पिता परमेश्वर जब हम सुनते हैं वो पिता परमेश्वर हमारे हृदय में बैठने वाला बने, और पिता परमेश्वर हमारे ऐसा ना हो कि पिता परमेश्वर शैतान आए और हमारे उस वचन को चुरा के ले जाए, हम खाली सुनने वाले ही नहीं उसको समझने वाले बने, और पिता परमेश्वर हम ये प्रॉमिस करें कि आगे वाले आने वाले साल में पिता परमेश्वर उन वचनों को बहुत सारे लोगों को बताने वाले बन सके पिता परमेश्वर। हर चीज आपके आत्मिक हाथों में सौंप देना चाहते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज इस वर्षिप के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुनें ग्रहण करना, आमीन।